तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पहले मैं बता दूं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कमेंट में कि सर अमृत वाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगम नेर के बारे में बताइए, बराबर इसके बारे में डिस्कस करना है, हमें इस कॉलेज के बारे में जानना है जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, तो इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, खुद आप वीडियो शेयर कर सकते हो। आप लाइक क्यों कर रहे हैं, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ वीडियो को लाइक करने वाले, इसके पीछे का आपको मकसद बताता हूँ। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को हेल्पफुल समझता है और खुद इस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है, और आप खुद भी शेयर कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सारी चीज़ें इस कॉलेज के बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिशन से लेकर आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक पिक्चर है कॉलेज के कैंपस का, मेन एक कैंपस का जो मेन गेट है वहाँ का एक पिक्चर है, बराबर। तो सारी चीज़ें देखते हैं आगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेट मी सिलेक्ट अ पेन। तो इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने बता दिया, अमृत वाहिनी क्षेत्रीय एंड शिक्षण विकास, ये ट्रस्ट का नाम है संस्था, उसके अंदर ये कॉलेज का नाम आता है। 1983 काफ़ी पुराना कॉलेज है, तभी तो सारे लोग बोल रहे थे इस कॉलेज के बारे में बताओ, बरो। तो 5162 मैंने भी सुना है, काफ़ी फेमस कॉलेज है। पर्सनली मैं इस कॉलेज को कभी विजिट नहीं किया हूँ, बरो, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हो पाई है इंटरनेट से, ऑथराइज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। तो ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप देख सकते हो। नासिक डीटी रीजन है, और डीटी का रीजन अलग होता है और डिस्ट्रिक्ट अलग हो सकता है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर है, और डिटेल में एड्रेस आप देख सकते हो, संगमनेर साकर कारखाना तालुका संगमनेर, बराबर पिन कोड है। और ये वेबसाइट का एड्रेस जो है वो आप देख सकते हो, ज़रूर विजिट करना चाहिए आपको हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जहां पर अप्लाई कर रहे हो। तो अनएडेड कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है, नॉन ऑटोनॉमस है और नॉन माइनॉरिटी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं कॉलेज को कैसे आप फिजिकली विजिट कर सकते हो। तो नासिक रोड का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड तो संगमनेर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और एयरपोर्ट जो शिरडी का है वहाँ से 35 किलोमीटर। तो बी डिग्री मिलती है आपको यहाँ से, सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है। और मैं आपको बता दूँ, नासिक नगर और पुणे, इसमें जितने भी कॉलेजेस है सब पुणे यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड है। हाँ, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो अदर यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि नूतन का एक कॉलेज है, नूतन महाराष्ट्र, आई थिंक वो बाटू जो यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब अम्बेडकर, उसको एफिलेटेड है। तो कुछ गिने चुने एक्सेप्शन छोड़ के सारे कॉलेजेस पुणे यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड है, ठीक है। तो हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए, तो यहाँ पर हॉस्टल काफ़ी बड़ा है, बॉयज़ हॉस्टल देख सकते हो, इनटेक 1100 है और फर्स्ट ईयर के लिए 500 सीट्स है। तो कॉलेज का इनटेक भी बड़ा होगा, वो भी देखेंगे। तो 600 गर्ल्स हॉस्टल का इनटेक और 200 फर्स्ट ईयर के गर्ल्स के लिए सीट्स है। तो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है, जितने भी मैंने कॉलेज देखे हैं, तो वन ऑफ दी ये कॉलेज बन सकता है वहाँ पर की जिसमें हॉस्टल का इनटेक काफ़ी ज़्यादा है, बराबर। जैसे कि सिंहगढ़ वगैरह के कॉलेज हैं, उनमें भी हॉस्टल बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर काफ़ी कोर्सेस अवेलेबल है आपके लिए, सिविल है, कंप्यूटर है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, एएनटीसी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक कोर्स मुझे नया दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो देख सकते हो आप, 2021 में लास्ट वाले दो कोर्सेज शुरू हुए हैं, बराबर, मतलब पिछले साल ही शुरू हुए। और सिविल तो काफ़ी पुराना यार, कंप्यूटर भी 1986 में शुरू हुआ है, बराबर। तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि कौन सी कंपनियाँ हमारे कंपनी विजिट करती हैं और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो TCS में देख सकते हो, पिछले साल का ही डेटा है ये, TCS में 69 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, पैकेज 3.36 से लेके 7.2 लाख पर एनम तक पैकेज, विप्रो का 119 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए 3.5 लाख पैकेज के साथ। केपीजेमिनी में देख सकते हो, 95 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए 4 लाख टू 7.5 लाख पैकेज के साथ। कॉग्निजेंट में 107 स्टूडेंट्स प्लेस हुए 4 लाख से लेके 7.5 लाख पैकेज के साथ। तो पैकेजेस भी डिसेंट है, अच्छे हैं, और कंपनियां भी बहुत नाम सुने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। कुछ कंपनियों के नाम आपने शायद सुने नहीं होंगे, हो सकता है, इसलिए इसमें आप वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लेना। और आगे बात करते हैं, और भी आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनियों के नाम है, स्टूडेंट्स के नाम है, और कितना पैकेज मिला है ये यहाँ पर देख सकता है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर भी और भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल काउंट देखा जाए तो 603 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं पिछले साल। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, बराबर। तो कोई भी ऐसी चीज़ है नेगेटिव पॉजिटिव जो हाईलाइट करना चाहते हो आप लोग, आपको पता है आप कहीं से पास आउट हो वहाँ से, या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो अभी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बाकी लोगों को ज़रूर हेल्प हो जाएगा जो न्यूली अभी एडमिशन लेने वाले हैं कॉलेज के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो
लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कॉलेज की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ ये 2022-23 का। तो ट्यूशन फी फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर दोनों के लिए ये 1,06,000 और डेवलपमेंट फी 13,000, टोटल 1,20,000 फीस है यहाँ पर। ठीक है, तो जितना अच्छा कॉलेज होता है उतनी अच्छी फीस भी होती है। ठीक है, तो अगर हॉस्टल की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ होंगी यहाँ पर। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 स्टूडेंट रूम, 3 स्टूडेंट रूम और 4 स्टूडेंट रूम ऐसा कैटेगरीज है। मतलब एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, ये 3 वाले 3 रहेंगे, 4 वाले 4 स्टूडेंट्स रहेंगे, बराबर। तो ये हॉस्टल का नाम है क्या है, सज्जनगढ़। ओके, ये बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर। हॉस्टल फी 30,000 पर स्टूडेंट पर एनम। ओके, तो 30,000 हॉस्टल का फीस है और 3 स्टूडेंट रूम के लिए 23,000 है। ओके, सिर्फ बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। सिंहगढ़ हॉस्टल नाम का एक, वो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के लिए, वो वीडियो पॉज करके पढ़ ले, यहाँ पर लिखा है TNB। और कुशवंती, कृष्णवंती नाम का एक हॉस्टल है यहाँ पर, आप देख सकते हो, गर्ल्स के लिए ये, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर गर्ल्स के लिए। तो वहाँ पर 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट रूम अवेलेबल नहीं है ऐसा बोला है। तो 4 स्टूडेंट का है यहाँ पर, 20,000 पर एनम यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर। और ये लास्ट वाला वीडियो पॉज करके पढ़ लेना आप, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर गर्ल्स के लिए। तो मेन चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कट ऑफ, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। PCM के परसेंटाइल पे एडमिशन होता है MST CET के, आपको पता ही होगा। तो सिविल का तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ कंप्यूटर का। ठीक है, तो होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के लिए ओपन के लिए 89% कट ऑफ है। SC के लिए 71, ST के लिए 59, VJ के लिए 82, NT1 के लिए 78, NT2 के लिए 85, NT3 के लिए 88, OBC के लिए 87। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो नंबर्स है, अगर 89.2 है तो मैंने उसको 89 बनाया है, तो राउंड ऑफ की है, पॉइंट में भी हो सकता है, नियरेस्ट जो नंबर होता है। अगर 75.8 है तो मैंने उसको 75 लिखा है। ठीक है, तो EWS, लेकिन आपको अंदाज़ा ज़रूर आ जाएगा, एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं लगता है, थोड़ा पीछे आगे पीछे ज़रूर भी होगा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो कभी ये मत पूछना, कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर मुझे इतने परसेंट है लेकिन यार ये कॉलेज मिलेगा मुझे, तो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो डायनामिक होता है। ठीक है, और ऑल इंडिया कट ऑफ 79% है यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो कैसे पढ़ना है, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी का है, बराबर। तो आगे के मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, बार बार बताने में उसमें कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रिकल का भी आप देख सकते हो, ENTC का भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, मैकेनिकल का भी पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी, अगर आपको कंप्यूटर IT नहीं मिलता है तो ये कोर्स आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इसका भी कटाओ वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, तो आई होप मैंने वो सारी चीज़ें बताई जिसके आपको आइडिया लग जाए कॉलेज के बारे में, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।